चारधाम यात्रा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें कि जहां एक ओर चारधाम की यात्रा के पंजीकरण को लेकर लोग कतारों में लगे हुए हैं, वहीं हर की पौड़ी सहित सिद्धपीठ और शक्तिपीठों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार की मां चंडी देवी मंदिर में भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही मां चंडी देवी परमार्थ ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा के इंतजार के साथ साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने पर संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं तो हमको आए तीन दिन हुआ। हम लोग ऋषिकेश में रुके हैं परमार्थ आश्रम में और वहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ घूमने आए तो यहाँ आके मन शांत हो गया। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनाई गई है। माँ के दर्शन मिले, बहुत अच्छा लगा। गंगा मैया को देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। पानी छूने के बाद लगता है कि जीवन का जो दुख है सब उसी में रह गया। बहुत अच्छा। विशाखापट्टनम से हम यहाँ पे चंडी धाम घूमने के लिए आए थे। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे और अभी हम हरिद्वार घूम के ऋषिकेश जाने वाले हैं। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ।